हेलो गाइस, व्हाट इज अप। मैं हूं अंशु बेस्ट और आज हम लोग खेलने वाले गाइस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 7। ओ भाई साहब, जैसे कि आप लोगों ने गाइस लास्ट एपिसोड में देख लिया होगा कि हम लोगों ने अपने लिए एक प्यारा सा डॉग बनाया था, लेकिन वो डॉग यार कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइक ये ढाबे जैसा लग रहा है तो मैंने उस पर कुछ ऑफ स्ट्रीम काम कर रहा है, तो वो भी मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ ले जाके। और गाइस सभी लोगों को एडवांस में मैरी क्रिसमस, यार क्रिसमस आ रहा है कल को, तो हम लोग उसके लिए भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग जो करने वाले हैं वो रहेगा, हम बनाएंगे अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल। लेकिन यार तुम लोगों को पता होगा हमारे पास कोई घर ही नहीं है, क्योंकि देखो जिनके पास घर होता है वो क्या करते हैं, बस एक नया घर बनाते हैं और उसमें लाइक एक नया कमरा टाइप का बनाते हैं, उसमें लगा देते हैं एन्चेंटमेंट टेबल, काम खत्म। लेकिन तुम्हारे भाई ने बनाया एक ट्री हाउस, तो अब थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि यार अब मैं ब्रांचेस कैसे निकालूं, अब मैं और कैसे बनाऊं उसको आगे को कैसे बड़ा करूं, क्योंकि फिर मेरे को एक गंदा सा अजीब सा घर बनाना पड़ेगा बगल में, जो कि मैं नहीं चाहता बनाना। तो गाइज मेरे पास एक आइडिया, आज हम लोग बनाने वाले एक और ट्री हाउस बनाने वाले, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। तो गाइज चलो करते हैं इस काम को। ओके, तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में, और देखो भाई माइनक्राफ्ट ने हमें खुद से ही यार यहाँ पर एक इतना गजब, वो देखो यार इतना गजब का सरप्राइज दिया हुआ। देखो सारे के सारे चेस्ट कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सेंटा क्लॉज का लाइक मतलब गिफ्ट है, जो होते हैं गिफ्ट होते हैं वो सारे गिफ्ट लग रहे हैं भाई, और क्या ही कूल लग रहा है यार, मजा ही आ गया। तो गाइज चलो यार आज का काम शुरू करते हैं। और एक बार यार मैं पहले नीचे देख रहा था, हमारे पास डबल चेस्ट भी है ना नीचे, क्या डबल चेस्ट भी अलग लगता है, फिर रेड चेस्ट ही लगता है। ओ भाई 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 डबल चेस्ट गाइज, ये देखो कैसा ग्रीन सा अलग सा लग रहा है भाई, कितना कूल चीज है यार माइनक्राफ्ट भी ना यार भाई। चलो अपने क्रिएटर्स के लिए कुछ तो करता है, मतलब प्लेयर्स के लिए कुछ तो करता है, तो यार ये चीज तो मस्त है। गाइज हमारे खेत भी देख रहे हो, फसल लग लगेगी। अब चलो गाइज मैं तुम्हें दिखा दूं पहले डॉक में मैंने क्या काम करा है। तो ये देखो गाइज मैंने, अरे यार हमारा गाइज एचपी बहुत कम है, रुको मैं बाल्टी है ना हमारे पास, बढ़िया बाल्टी है हमारे पास, इसका पानी में 2 सेकंड के लिए कहीं गिरा देता हूँ। ओके, तो मैं इसका पानी इसमें डाल देता हूँ। और तुम्हें पता है गाइज दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, गाइज दिन की शुरुआत होनी चाहिए गौ माता के मिल्क से और एक ब्रेड से। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं आओ गाइस पहले हम लोग पेट भरने तक का ब्रेड खाएंगे, और उसके बाद हम लोग पियेंगे गौ माता का शुद्ध और एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध। ये भाई साहब दिन बन गया, वो देखो वैसे वाली गौ माता थी, आज हमें देख रही देखो वहां से कि क्यों भाई आज नहीं आए दूध लेने। अरे नहीं भैया अब तो हमने खुद मार ली दो दो गाय। चलो गाइस पहले हम लोग अपनी सारी की सारी फसल को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे वो काम करते हैं। ओके, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा लगा दिया है, और तुम्हें पता है हम लोग बचे हुए सीड्स से क्या करते हैं यार, बचे हुए सीड्स को हम डाल देते हैं कंपोस्टर में, ताकि वो बन जाए फटाफट से सारा का सारा अपना बोन मिल, क्योंकि हमें बोन मिल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है बाद में। तो गाइज आज हम लोग बनाना है एन्चेंटमेंट टेबल, लेकिन मैंने थोड़ा ऑफ स्ट्रीम काम कर रखा है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो यार, ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा नया वाला डॉग। ये देखो मैंने इसमें इसको ऐसा लुक दे रखा है थोड़ा, और ये देख रहे हो ये ध्यान से देख रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ पर लाइक साइन बोर्ड लगा रखा है, साइन बोर्ड में कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने ऐसा टूटी हुई जगह है और उसमें ऐसे वो लगा रखे, लाइक समझ रहे हो क्या बोलते हैं यार उसको, टल्ले लगा रखे। तो ये देखो ये भी कितना कूल लग रहा है भाई, अब लग रहा है ना भाई ये थोड़ा डॉग हाउस जैसा भाई, इसमें लगा है टाइम लेकिन मजा जरूर आ गया यार देख के, कितना कूल सा लग रहा है देख रहे हो। और अभी तो बाद में हमें क्ले व्ले मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट ये सब भी लगाऊंगा, बाकी अंदर पे तो गाइज अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, अंदर जैसे का जैसा था वैसे ही है, बस हमें थोड़ी जगह मिल गई, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे चेस्ट भरूंगा। होपफुली अगर आज हमारे पास थोड़ा वुड ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उस चीज़ को करेंगे। तो गाइज हमें सबसे पहले बनाना है यहाँ पर एक ट्री हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्री हाउस बनाना है, लेकिन उससे पहले यार जो चीज़ हमारी काम की है वो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको निकाल लेते थोड़ा सा। ये देखो गाइज मैंने क्या कर रखा है, देख रहो मैंने पूरे पानी के लाइन के साइड से देख रहो सारे के सारे में क्या उगा दिया गाइज, ये देखो सारे के सारे में मैंने शुगर केन उगा दी, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी शुगर केन चाहिएगी, क्योंकि हम लोगों को यार एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी किताबें, और बहुत सारी किताबें आएंगी गाइज सिर्फ सिर्फ पेपर से, और पेपर आएगा शुगर केन से। तो सारा का सारा जितना भी एक्स्ट्रा शुगर केन गाइज देख रहा है वो सारा का सारा हम लोग फटाफट से यहाँ से निकाल लेते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं थोड़ा काम। ओके, तो गाइज हमने सारा का सारा यहाँ पर से शुगर केन निकाल दिया, और यार देखो डॉग कितना कूल लग रहा है यार यहाँ से देखने में, देखो पानी के साथ आए हाय हाय। ओके, तो गाइज हम आ चुके हैं वापस, अब हमारे पास है 13 अभी के लिए शुगर केन, मैं बाकी का सारा शुगर केन निकालूंगा, हम लोगों को बहुत सारा चाहिए, देखो मेरे जाते उग गया ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सारा शुगर केन चाहिए, और चाहिए बहुत सारा लेदर, लेदर मैं बहुत सारे घोड़े मार के नहीं लेके आया, अरे सॉरी गाइज मैं बहुत सारे लाइक क्या कहते हैं लेदर लेके आ गया गाइज, बस मैं कहीं से
ओके तो गाइज हम लोग लेके आ गए बहुत सारा, लाइक हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 1.5 स्टैक के आसपास यहाँ पर वुड लॉक रख लिया है, लेकिन हमें लॉक की भी जरूरत पड़ेगी और हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे प्लैंक्स की भी। तो मैं क्या करने वाला, हाँ हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल है ना, एक काम करते हैं इस क्राफ्टिंग टेबल को हाथ में करते। तो गाइज देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ दूसरा वाला ट्री हाउस जो इस वाले से कनेक्टेड होगा, कहने को बोला यहाँ भी जा सकते। तो हम अपना जितना भी सामान है गाइज घर वाला वो सारा का सारा सामान वहां से निकालेंगे, उसको बनाएंगे हम लोग एन्चांटिंग प्लेस और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना घर। मैं सर यहाँ पर बनाया जाए क्या बोलते हो यार, यहाँ से हम लोगों को पता है अगर हम लोग कोई बालकनी बना देना तो हम लोगों को यहाँ से क्लियर दिखेगा एकदम पीछे से पूरा का पूरा सामान, लेकिन यार यहाँ से डॉक का व्यू आएगा एकदम गजब वाला। तो बस यहीं पे बनाए थे यार, हाँ यहाँ से डॉक का व्यू देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बनाते हैं और हम लोगों को वहां से रास्ता निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लोज बनाते हैं ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। ओके तो गाइज हम लोग ने सारी की सारी डर्ट यहाँ से निकाल दी है और अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं पर बनाते हैं अपना वो हाउस, ताकि हम लोग लाइक ऊपर से खेत की तरफ को भी निगरानी रख सके, हमारी जमीन भी दिखती रहे और हमारा डॉग हाउस भी हमको एकदम प्यारा सा दिखता रहे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाते हैं और सीधी सी बात है यार जो हमारा अब वाला ट्री हाउस होगा गाइस जो पिछले वाले ट्री हाउस से बड़ा होना ही चाहिए, तो ये मेरे को हाइट काफ़ी सही लग रही है इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से ओक के प्लैंक्स लेते हैं ठीक है और प्लैंक से इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके तो गाइज हम लोगों ने इसको प्लैंक से जितना एक्सटेंड हो सकता था कर लिया, अब हम लोग अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखेंगे। ओ मेरे पास स्टेयर्स पहले से हैं, ओके ठीक है गाइज तो हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को जैसे ही वैसे के वैसे रख लेते हैं और अब हम लोग गाइज लगाने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेयर्स को। ओके तो गाइज पहले जाके सो जाते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक समझ रहे हो ना रात होने लगी है, तो हम लोगों को जल्दी से सो जाना चाहिए वरना यार फिर अभी तक हम लोग इस गेम में एक बार भी नहीं मरे। देख रहे हो 26 लेवल हो चुका भाई का, लेकिन हम लोग मरना नहीं चाहते यार इस गेम में लिटरली भाई, एक सर्वाइवल सीरीज जिसमें हम अभी तक नहीं मरे और यार ना ही मरे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ 100 ड्रैगन को ही मैं बिना मरे एक ही किल में मतलब एक ही उसमें मार दें पूरा का पूरा। देखो इस तो मैंने बहुत उटपटांग टाइप का कुछ कर दिया है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे सही, तो टेंशन मतलब यार ऊपर जाना पड़ेगा। ओके तो गाइज हमने सारी सारी स्टेयर्स तोड़ दिए, मैं फटाफट से इसमें वैसे ही लगा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर ओक प्लैंक्स लगे हुए थे। तो गाइज देखो ऐसे ओक प्लैंक्स लगे हुए थे, मैं सोच रहा हूँ यार हम लोग अब पता क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली रखते हैं थोड़ा सा, हम लोग एक काम करते हैं कि यार मैं क्या कहते हैं स्टेयर्स में प्रॉपरली लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है नीचे से एक बंदा अच्छे देखने के लिए कि हाँ अगर मैं स्टेयर सही लगा रहा हूँ या नहीं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइज यहाँ पर स्लैब्स ओक की दोबारा से ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग एक साइड पर कम से कम नहीं तो तीन क्या कहते हैं निकालेंगे ठीक है, 1 2 3 ऐसे निकाली। ओके तो गाइस फाइनली हम लोगों ने जितना एक्सटेंड करना था उतना एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन अभी इसको हम लोग एक लास्ट चीज से एक्सटेंड करने वाले हैं और गाइस वो लास्ट चीज और कुछ नहीं, वो होने वाली है हमारी प्यारी प्यारी ट्रैप डोर्स। ओके तो चलो जितने ट्रैप डोर बन सकते हैं हम लोग बना देते हैं फटाफट से ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैप डोर्स इस वाले बिल्ड में हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके तो गाइस अभी के लिए हमारे पास हो चुका है 20 क्या कहते हैं ओके डोर्स ट्रैप डोर्स, तो हम लोग इनको क्या करने वाले गाइस, हम लोग इनको ऐसे लगाने वाले हैं। ओके तो गाइज हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब गाइज हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर घर। तो चलो देखते हैं, बताओ कहाँ को फेसिंग होना चाहिए गाइज, हमारा घर कहाँ से फेसिंग होना चाहिए? मेरे ख्याल से यहीं से फेसिंग होना चाहिए राइट, यहाँ से एक बैल्कनी आनी चाहिए, यहाँ से तो खैर ये वाला ट्री इससे जुड़ेगा और यहीं को फेसिंग होना चाहिए, मेरे को ज्यादा से यहीं से लग रहा है ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ऐसे एक मिनट रुको, ऐसे नहीं हम लोग क्या करने वाले गाइज, हम लोग बनाने वाले हैं स्टेयर से पहले नीचे का स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो ये अगर हमारा घर होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके इसकी एंट्रेंस लगाते हैं ठीक है, और अब इसको भी हम लोगों को पूरे टाइम हाथ में रखना पड़ेगा गाइस, ये और 1 2 ठीक है। तो ये होगी हमारी एंट्रेंस और अब यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे करके एक और स्टेयर ठीक है। तो ये हो गई ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्रेंस गाइस ठीक है। ये अब इसके बाद हम लोगों को यार गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कांच की भी जरूरत पड़ने वाली है
ठीक है, बहुत जल्दी, तो उसका भी देखना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, ये है, अब इसके बीच में हम लोग कांच डालने की सोच रहा हूँ मैं, तो ये ऐसे करके आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बीच में इन लोगों के कांच आ जाएगा, तो इसको पहले तोड़ देते हैं। तो गाइज ये अभी के लिए देखो, ये हमारा थोड़ा सा अभी के लिए लाइक एक कच्चा अच्छा हो गया, तो फटाक से जाके गाइज सो लेते हैं इससे पहले कि कोई मॉब वॉब आके हमको मार दे। यार मैं इस गेम में एक बार भी नहीं मरा, तो ऐसा बदतमीजी से मरूंगा तो यार मैं नहीं चाहता मरना। एटलीस्ट विदर के हाथ से मरेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना यार। तो हम लोग क्या करने वाले गाइज, चारों तरफ से हम लोग असासिया का पहले ऐसे करके थोड़ा सा यूज करके ऐसे 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 ये बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चारों तरफ से ऐसे करके बनाने वाले गाइज, और बाकी का बचा हुआ जितना भी है हम लोग इसको ऐसे प्लैंक से जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक नीचे और यहाँ पर तो एक ही है, तो ये तो परफेक्ट ही है, एक ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और बाकी फिर चारों तरफ से इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे। ओके, तो गाइज देखो मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे एक्सटेंड तो कर दिया, पता नहीं कैसा लग रहा होगा अंदर से, ठीक है। हाँ अच्छा ही लग रहा है वैसे। तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देने वाले हैं इसको सेकंड शेड, जो कि होगा देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। देखो अब हम लोग देने वाले हैं अंदर से सेम, हम लोग सेम, अरे यार मैं गिर गया, रुको रुको रुको, ठीक है। हम लोग अंदर से सेम एकदम सेम मैकेनिज्म में काम करने वाले हैं, रुको मैं बताता हूँ कैसे। देखो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बनाया ना, अब सेम ऐसी करके हम लोग यही चीज दोबारा से रिपीट करने वाले हैं चारों तरफ, और ऐसी करके पूरी छत की छत बना देंगे। तुम लोग देखो थोड़ा सा रुको बस। ओके, तो गाइज हम लोगों ने इसको कर दिया देखो कंप्लीट, अब ये पूरा का पूरा ऐसे ढक चुका है। लेकिन मैं क्या करने वाला, मैं इसको चार तरफ से ऐसे करने वाला ताकि ये थोड़ा सा ना ऊपर से प्लेन दिखे, क्योंकि यार हम लोगों को अभी जाके वो भी करना है लाइक इसके ऊपर ऐसा पूरा घास वास भी लगानी है, थोड़ा सा प्लेन लगना भी बहुत जरूरी है। तो नीचे से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कूल लगेगा। अभी के लिए देखो पहले तो अंदर से जाके देखते हैं, क्योंकि अंदर से अगर कुछ हम लोगों ने गलत किया होगा ना तो हम लोग को दिख जाएगा। जैसे देखो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ठीक है, इनको तोड़ देते हैं। जैसे कि देखो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो हमको अभी नीचे से हम लोग अगर देखेंगे ना तो हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे देखो ये देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा डबल फ्लोर हो गया, लेकिन एक्चुअल में होना सिंगल चाहिए था, तो इसको भी मैं सही कर देता हूँ। देखो अभी के अभी ये लो, ठीक है, ये लो, ओके। तो इसको काटते, ये भी मैंने गलत जगह लगा दिया थोड़ा सा, इसको लगना चाहिए था यहाँ पर। ये देखो भाई तो अब देखो कितना कूल सा लग रहा है। और अगर हम लोग ऐसा बीच से छेद भी मारे ना, अच्छा ओके बीच से छेद नहीं मार सकते, ठीक है, हाँ चल मार सकते हैं। देखो 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 अभी सही कर दिया मैंने, ठीक है। तो गाइज इसको एक बार हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। देखो यार ये हो गया हमारा अंदर का गाइज, तो ये हो गया हमारा अभी के लिए नया घर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और जिएंगे भाई लाइफ अपने एकदम मस्त। ये हो गया हमारी बैल्कनी, देखो एकदम मस्त, क्या व्यू आ रहा है बाहर का। तो ये चीज़ें बहुत कुल होगी। अब हमको थोड़ी फेंसिंग करनी है ताकि हम लोग नीचे ना गिर जाएंगे, तुम्हें पता है कि मैं कितना केयरफुल हूँ, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला। तो ये देखो अब हमको ये चीज़ करनी है, और हमको यहाँ से ऐसे ले जाके उस वाले पेड़ तक का भी रास्ता बनाना है ताकि हम लोग वहाँ से भी मिल सकें, और ये वाले से सीधे उस वाले पे जा सके। मैं वाले का दरवाज़ा ऑन रखूंगा, मैं याले का भी एक नीचे से दरवाज़ा बनाऊंगा अभी, रुको, ठीक है, यहाँ पर से आने का, ठीक है। तो ओ भाई ओके, ए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं गाइस, व्हाट गाइस, ये देखो हम लोग इसको ना ऐसा ऐसा कर सकते हैं गाइस, हम लोग इसको हवा में रख सकते हैं, देख रहे हो क्या, ये देखो
हम लोग इसको ऐसा हवा में रख सकते हैं और उधर वाले से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमको जब भी इसमें जाना होगा तो हम लोग को उधर से जाना पड़ेगा भाई, कितना कूल लगेगा ना। और इसको ऐसा हवा में ऐसा पेड़ वेड़ देते हैं। चलो ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो तुमको पता है, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सारा का सारा सामान अपना वहां लेके चलते हैं। तो मुझे तो 5 मिनट में सारा का सारा सामान यहाँ से वहां करता हूँ। ओके, तो गाइस हमारा पुराना घर पूरा का पूरा खाली हो चुका है यार। अगर मैं तुम लोगों को दिखा के लाऊंगा ना, ये देखो भाई हमारा पुराना घर पूरा का पूरा खाली हो चुका है। बस यहाँ पर एक लैंटर्न बचा है, मैं ये वाला लैंटर्न निकाल लेता हूँ, सिंस यहाँ पर एक लैंटर्न से काफी रोशनी हो जाती है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस हमारा पुराना जो घर है वो पूरा का पूरा यार खाली हो चुका है। बड़ा अजीब सा लग रहा है नए घर में शिफ्ट होने में, बट यार कोई बात नहीं, ये एक्चुअली एक एडवांसमेंट रहेगा हमारे लिए, देख रहे हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ा एडवांसमेंट रहेगा कि हम लोगों को यहाँ से मतलब यहाँ जाने को मिल रहा है। बट यार यहाँ पर हम लोग को ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के चल देंगे, यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं अब अपना एन्चांटिंग टेबल और वो सब चीज़ें। रुको, पहले ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ से तोड़ के ले जानी पड़ेंगी। बैरल वैरल सब ले लेते हैं, क्योंकि यार इन लोग इनका यहाँ पर अब काम नहीं रहा। इन शॉर्ट देखो, यहाँ पर हम लोग रखेंगे अपना एन्चांटिंग टेबल, ठीक है, और इस साइड से पूरा का पूरा हम लोग बनाएंगे वो इस साइड से। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं सोच रहा हूँ जो कि मेरा आइडिया जो है वो क्या बोलता है कि ऐसा करते हैं कि इससे ना दरवाजा बंद ही कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते, इसमें से निकालते हैं एक दरवाजा। क्यों, यहाँ पर हम लोग मेन आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेंटर वाली पे ही ना एन्चांटिंग टेबल रख देते हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, रुको पहले मैं इसको ढक देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर मेन वाली पे यहाँ पर एन्चांटिंग टेबल रखेंगे और एक स्पेस छोड़ के हम लोग इसको पूरा प्रॉपर करेंगे जो 30 लेवल तक की एन्चांटिंग करेगी। तो गाइस चलो पहले देखो, ये तो अभी के लिए तो ये घर यार एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर से यार रुको, हाँ पहले पानी भेज देते, अरे यार देखो पिकेक। ठीक है, तो यहाँ पर से तो गाइस हम लोग जाते हैं नीचे और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आने का हम लोग रास्ता निकालेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, मेरी पिक है वो कहाँ गई, एक्स कहाँ गई। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर खाली पानी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता बनाएंगे। वैसे मैं चाहूँ तो ये पानी वाला ही मैं एक्चुअली यूज़ कर सकता हूँ कि हम लोग पानी से ही ऊपर जाए, मेरे को कमेंट्स में बताना। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर एक लिफ्ट बना देंगे, क्योंकि हमारे पास देखो बस एक सोल सैंड नहीं है, वरना हमारे पास बाकी कैल्प वेल्प सब कुछ है, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, देखो जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी के लिए जैसे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इस पानी के यहाँ से चारों तरफ से हम लोग, अरे यार ये देखो गधा हूं ना मैं, हम गधे। ओके, तो गाइस अभी के लिए मैंने इसके ऊपर चढ़ने के लिए, देखो ये यूएफओ जैसा हो गया और एक ये बीम हो गई है, हम इस बीम में ऐसे बस चढ़ के जाएंगे और वूम 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 वाली फीलिंग से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम लोग नीचे भी आ ही सकते हैं, कोई सीन नहीं है। तो गाइस अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ डाला, मेरे को कमेंट्स में बताना अगर कूल सा लग रहा है कुछ। तो देखो ये होगा, ये हमारा याले यूएफओ होगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे उस वाले में हम लोग एन्चांटिंग का सामान रखेंगे। तो गाइस अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फटाक से हम लोग बनाते हैं अपनी एन्चांटिंग टेबल। पहले हम लोग को बहुत सारा शुगर केन चाहिए इस चीज़ के। ओके, तो गाइस हमने गन्ने के खेत से जितना गन्ना हो सकता था सारा का सारा निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जाएंगे और बनाएंगे इससे फटाफट से पेपर। ओ गाइस मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, मेरे पास तो थोड़ा, अरे यार ये तो मैंने बंद कर दिया ना, मैं गधों की तरह इसमें चढ़ जाता हूँ। तो हम लोग को अब इसमें जाना है यार, सुपर बीम से जाना है ऊपर को सीधे। चलो तो अब हम लोग गाइस बनाते हैं इससे फटाफट से ढेर सारा पेपर। तो ठीक है, हमारे पास हो गया 64 के 3 स्टैक्स और हमारे पास शायद से लेदर में लेके तो आया था कहीं से, कहाँ के लेदर, कहाँ के लेदर, लेदर लेदर लेदर, ये रह गया। तो हमारे 48 लेदर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जितनी बुक्स बन सकती है हम लोग बनाएंगे। वैसे हमें 46 बुक्स चाहिए क्योंकि मैंने सारे के सारे रिसर्च करके रखी हुई है, बट हम लोग 48 बुक्स बनाएंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो हम लोग ने 48 बुक्स बना लिए, बाकी का सारा पेपर मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो हमारे पास गई अभी है 48 बुक्स और बुक शेल्फ बनाने के लिए हमको लगेगा बहुत सारा लकड़, तो 18 लॉग्स हमारे पास हैं। आई होप इससे काम बन जाए, नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, नहीं बन पाएगा शायद से, नॉट श्योर दो, अभी पक्का नहीं है कुछ। हमको चाहिए 15 बुक शेल्फ्स, हाँ नहीं हो पाएगा यार गाइस, बहुत कम हो गई है। तो और अब आ गए हमारे पास 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 बुक शेल्फ्स, हमें 3 बुक शेल्फ्स और बनाने हैं। ओके, तो गाइस हो चुकी है अगली सुबह और हमें लेके आना है बहुत सारा ऑब्सीडियन, बहुत सारा नहीं मतलब 5 ऑब्सीडियन लेके आना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं और ऑब्सीडियन लेके आते हैं। रुको रुको, मैं अपनी शायद से डायमंड की पिकैक्स लाना भूल गया, तो चलते हैं ऊपर और पहले डायमंड की पिकैक्स उठा लेते हैं। ओके, तो गाइस इतने सारे ऑब्सीडियन को लावा ग्रहित करने के बाद हमें कम से कम 6 ऑब्सीडियन तो मिल गया, तो मैं 6 ऑब्सीडियन लेके भाई चुपचाप घर को जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना गाइस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लाइफ है तो इसके भाई, ना कि रिस्क है तो इसके। ठीक है, जिंदगी है
तो भाई जी लेंगे आगे जाके। ठीक है फटाफट से चलते हैं, मैं तो इसी वाटर के सहारे ऊपर जाऊंगा। ठीक है निकलते हैं यहाँ से, हमारे पास 5 ऑब्सिडियन तो आ गया, तो इसका मतलब हम लोग घर तो जा सकते हैं और वहाँ पर जाके हम लोग अपनी एन्चेंटमेंट टेबल बना सकते हैं। तो चलते हैं भग के घर को और बनाते हैं गाइस एन्चेंटमेंट टेबल। मेरे ख्याल से यार हो गया हमारा ऑलमोस्ट यार 26.5 लेवल है। अगर हमारा 30 लेवल हो जाता ना भाई तब तो हमें सीधे के सीधे वो थर्ड वाली जो एन्चेंटमेंट होती है वो मिल जाती, बट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए शायद से। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं अपने UFO के नीचे, चलो सीधे निकलते हैं यहाँ से। और ओहो यार ये बड़ा दुखद है। ठीक है तो ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर और इसको कर देते हैं बंद ताकि हम वापस से नीचे ना चले जाएं। हमारे पास है ये भी है, अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे बुकशेल्फ रखे तो वो रख लेता हूँ अपने पास। डायमंड हमें चाहिए डायमंड रख लेता हूँ और चाहिए एक बुक। ठीक है तो गाइस चलो लगाते हैं। ऑब्सीडियन रखना होता है ऐसे, नहीं ऐसे नहीं रखना होता है, ऐसे रखना होता है। ठीक है ऑब्सीडियन रखना होता है ऐसे, अच्छा 4 ही ऑब्सीडियन लगता है और ये एक ये रखना पड़ता है और ये रखनी पड़ती है। ये देखो गाइस ये आ गई हमारी एन्चांटमेंट टेबल, देख लो गाइस ये देखो ये मेरे हाथ में एन्चांटमेंट टेबल है। पहले तो यहाँ से निकलते हैं और फटाक से जाके अपने छोटे वाले जो हमारा ट्री हाउस है उसमें जाके इसको लगा देते हैं। ठीक है तो ये जाएगी यहाँ पर। ठीक है और इसके चारों तरफ देखो अभी के लिए अगर हम अपनी डायमंड की पिकैक्स रखते हैं यहाँ पर तो ये हमको सिर्फ ये दे रही है एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 1, 3 लैपिस लाजुली और बीच का कुछ दे ही नहीं रही है। मतलब ये ज़्यादा इतनी एफिशिएंट है ही नहीं, देख रहे हो ज़्यादा ऐसा हाई लेवल वाले काम नहीं हो रहे अभी तो। लेकिन अब हाई लेवल वाले काम करने के क्या करना पड़ेगा गाइज मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है ओके तो गाइज घंटों घंटों मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गाइज मैंने इसको देखो ऐसा बना दिया है। वाह क्या सीन है। ठीक है बिल्कुल इंटरनेट पे नहीं सर्च किया यार, मैं अपने दूसरे चैनल पे गया वहां पर हम लोगों ने जो बना रखा था हमारा रूम सीक्रेट रूम, मैंने वहां से जाके देख लिया फटाफट से कि हम लोगों ने कैसे बनाया था क्योंकि मैं भूल चुका था। तो गाइज ये देखो अब अगर हम लोग यहाँ पर अपना बो रखते हैं तो ये देखो ये हमको लेवल 30 तक के एन्चांटमेंट दे रहा है जो कि अनब्रेकिंग 3, लेकिन अभी सैडली हमारा लेवल 30 है नहीं। तो करो ना भाई। तो गाइस देखते हैं एक बार फटाफट से जाके हमारी यार इस प्यारी प्यारी पिकैक्स में क्या ये हमें फॉर्च्यून या फिर सिल्क टच देगा क्या। अनब्रेकिंग 3, अनब्रेकिंग 2, एफिशिएंसी 1, यार गाइस कुछ खास ऐसा कुछ दिया नहीं इसने। गाइस एक मिनट यार अगर मैं इसको तोड़ के दोबारा से लगाऊं तो क्या ऐसा होगा कि ये अब कुछ नया देगा। रुको जरा चेक करता हूं एक बार यार, अगर ऐसा हो गया तो गाइस मजा आ जाएगा बाय गॉड कह रहा हूं। ठीक है अब देखते हैं, अब हम लोग फिर से लगा के देखते हैं। नहीं यार सेम दे रहा है अनब्रेकिंग 3 वो सब। ठीक है तो मेरे को ये वाला ही लगाना है, मेरे को सिल्क टच लगाना था। वैसे अनब्रेकिंग 3 बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि वो फिर हमारा लाइक पिकैक्स बहुत टाइम तक चल जाएगा। तो चलो अभी के लिए तो गाइस देखो जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम लोगों ने ये वाला पूरा का पूरा हाउस जो है वो बना लिया है और हम लोगों ने इस वाले को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है। हमारे एन्चांटमेंट रूम रहेगा उसमें अभी कन्वर्ट कर दिया है, अब हमने इसको बिल्कुल UFO जैसा बना दिया। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी और काम बच रहा है गाइस, बाहर से पूरी की पूरी लाइक रेलिंग लगानी है अभी और लाइट्स लगानी है, इसमें एक भी लाइट नहीं लगी हुई है जैसे कि ये था ना हमारा प्यारा सा। अभी इसकी छत भी पूरी की पूरी घास से कवर करनी है, तो काम बहुत सारा है लेकिन टाइम बहुत कम। तो गाइज आज के एपिसोड के लिए तो इतना ही, हम लोगों ने गाइज एन्चांटमेंट टेबल अपना मैक्स लेवल का कर दिया है। यार मेरे को ना इसका भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, वो देख रहे हो दूर दूर तक हमारे जो गन्ने के खेत ऐसे घूमे हुए, मेरा मन कर रहा है कि यार यहां पर ना एक बड़ा सा गन्ने का खेत बना दूं इंस्टेड ऑफ यार कि वो ऐसा करने के। ठीक है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका ये बताना है कि क्या कर सकता हूँ ऑटोमेटिक, तो मेरे ख्याल से मैं अभी नहीं बना सकता, अगर बना सकता तो मुझे वो भी बता दो। ठीक है और बाकी गाइज ये था हमारा आज का एपिसोड, हम लोगों ने ये वाला घर को मैं नीचे जाके देखते हैं एक बार। ठीक है इसको ठीक है तो हम लोग नीचे चलते हैं और ये देखो गाइज अभी के लिए ये कंप्लीट नहीं है ना ही ये सीढ़ियां कंप्लीटेड है। तो देखो अभी के लिए ये है, देखो जैसे कि हमारा ये वाला घर है ठीक है और वो वाला एन्चांटमेंट टेबल हो गया गाइज, वाला एन्चांटमेंट टेबल है, ये वाला हमारा मेन घर है। तो ये है और अभी इसमें पूरा नीचे से भी ऐसे करके मैं लाइक पत्तियां वत्तियां गिराऊंगा, हमारे पास यार जंगल ट्री होता तो मैं शायद से थोड़ी बेल वेल भी लटका देता यहाँ पे। ठीक है तो ये है हमारा एन्चांटमेंट वाला घर और ये हमारा मेन घर, अभी इसमें बहुत सारी सजावटें करनी बाकी है। और ये हमारा गाइस डॉग है, अगर आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जैसे दिखाया था मेरे को बताना अब प्यारा लग रहा है फिर कैसा है। ठीक है तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पूरा जैसे पहले था वैसे करो, तो मैंने पहले वाले जैसे कर दिया और ये अब सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है गाइज अभी के हमारा डॉग, वो बनाया आज हमने अपना एक नया घर और वो है हमारा एन्चांटमेंट रूम। देखो बुकशेल्फ कैसे दिख रहे हैं यहीं से। तो गाइज आई होप आपको आज के एपिसोड में मजा आएगा क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया और गाइज अब हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा और उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ लगाऊंगा, लेवल 30 चाहिए हमारे 26, हमें 4 लेवल्स और चाहिए, तो थोड़ा सा लेवल अप करके आएंगे। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग उसमें एन्चांटमेंट भी करेंगे
है। और देखो मेरे पास एक बहुत खतरनाक आइडिया है, बाकी आप लोग आइडिया दो कि नेक्स्ट क्या करें। मेरे पास तो एक आइडिया है, अगर आपका ज्यादा अच्छा होगा तो मैं आपका वाला यूज कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, अगर आपको मजा आया प्लीज यार लाइक कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार। लिटरली लोग वीडियो देखते हैं बट 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सिर्फ 40% लोगों ने किया हुआ है। तो जितने भी लोग गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर 200K पहुंचने वाले हैं हम अपने मेन चैनल पे। तो जिसको भी नहीं पता कि गाइज मेरा मेन चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर मैं मेन चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइज, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।